हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुलेखा, आज मैं आपको ये स्क्वायर टेबल क्लॉथ बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये हमारा डिज़ाइन है, ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके लिए मैंने 3 प्लाई ऊन लिया है, ग्रीन कलर का। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं फ्रेंड्स, या तो आप ये सिंगल कलर से भी बना सकते हैं, या तो आप डबल कलर से भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 10 नंबर का क्रोसिया लिया है, ये देखिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें वो टेबल का मेजरमेंट लेना है फ्रेंड्स, कि हमारे टेबल की चौड़ाई कितनी है, उसके हिसाब से हमें ये चैंस बनाने हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ छोटा सा। सबसे पहले हमें टेबल क्लॉथ का मेजरमेंट लेना है कि हमारी वो चौड़ाई कितनी है, उसके हिसाब से हमें चैंस बनानी है। चैंस बनाने के बाद उसमें +20 हमें करना है। अगर हमारा चैंस 40 आए तो +20 60 लेकर हमें बनाना है फ्रेंड्स। अगर 30 आए चैंस हमारा तो +20 50 चैंस लेके हमें बनाने हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं यहाँ पे 20 चैंस बनाया है, ये देखिए 20 चैंस लिया है। उसके ऊपर मैंने डबल क्रोशिया बनाया है, 20 डबल क्रोशिया, ये देखिए। इस तरह हमें पहले मेजरमेंट कर लेना है कि हमारी चौड़ाई कितनी है, उसके हिसाब से हमें चैंस बनाने हैं और +20 हमें करना है। मैंने एक लाइन बिल्कुल प्लेन भी नहीं है, प्लेन बनाया है, ये देखिए डबल क्रोशिया हमने बनाया फ्रेंड्स। अब हमारा ये जो डिज़ाइन है, ये देखिए, ये डिज़ाइन हमें अब शुरू करना है। चैंस बना के फिर हर चैंस में हमने डबल क्रोशिया बनाया। फिर हमें यहाँ पे 3 चैंस लेना है, तीन चैन बना के फिर हमें टर्न करना है। टर्न करने के बाद जहाँ पे हमने ये चैंस बनाया फ्रेंड्स, ये देखिए, इसी चैन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है, ये देखिए। फिर एक सिकड़ी लेना है हमें, एक चैंस, ये हमने यहाँ पे एक चैन बना लिया फ्रेंड्स। उसके बाद फिर हमें एक डबल क्रोशिया को स्किप करना है, ये देखिए, ये हमने एक डबल क्रोशिया को स्किप किया। फिर जो दूसरा डबल क्रोशिया है हमारा, उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, उसी घर में फिर हमें दोबारा बनाना है, ये देखिए। फिर हमें एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया को स्किप करना है और दूसरे डबल क्रोशिया में हमें यहाँ पे बनाना है। पहले हमें एक घर लेना है, फिर 2 फिर 2, फिर उसी घर में हमें दोबारा बनाना है। पहले एक घर हमने लिया, फिर 2 घर लिया, फिर 2 घर, फिर हमें यहाँ पर एक चैन लेना है, ये देखिए। इसी तरह हमें ये पूरी लाइन बनानी है फ्रेंड्स। एक डबल क्रोशिया को स्किप करना है, फिर दूसरी डबल क्रोशिया में हमें 1 बार 2 बार, ये 3 बार हमने बनाया। फिर उसी घर में हमें दोबारा बनाना है, एक बार हमने लिया, दूसरी बार, तीसरी बार, ये देखिए फ्रेंड्स। फिर एक चैन हमने बनाया, इसी तरह हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट करनी है फ्रेंड्स। 2 2 डबल क्रोशिया हमें बनानी है, एक एक डबल क्रोशिया स्किप करके, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमें यहाँ पे 3 चैन लेना है, फिर से हमें टर्न करना है फ्रेंड्स। ये जो बीच का गैप है, ये देखिए, जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया था, ये देखिए, उसके बीच का जो गैप है, इसके अंदर हमें 5 टाइम्स इस तरह धागे को निकालना है, पफ हमें बनाना है। 5 टाइम्स धागे को लेना है, 1 2 3 4, ये 5 5 टाइम हमने धागे को बाहर निकाला फ्रेंड्स। फिर सारे धागे को हमें निकाल लेना है, लास्ट में सिर्फ हमें एक धागा रखना है जो हमारा चैन था। फिर उसे हमें सारे को इस तरह बना लेना, ये हमारा पफ बन गया फ्रेंड्स। फिर हमें यहाँ पर एक चैन लेना है, ये देखिए,
फिर जितनी भी हमारी डबल कुर्सियां हैं, देखिए एक घर में जो हमारा डबल कुर्सियां बना है, बीच में जो हमारा गैप है, हर बार हमें इसी तरह करना है, 5 टाइम्स निकालना है। जो हमें पफ बनाना है वो 5 टाइम्स लेके बनाना है, 1 2 3 4 5 धागे को सारे ले लेना है हमें। क्रोशिया में हमारा 2 धागा रहेगा, फिर हमें इसे बना लेना है, फिर एक चैन लेना है फ्रेंड्स। इसी तरह हमारा जो हर डबल क्रोशिया है के बीच में जो गैप है, हर में हमें ये पफ बनाना है फ्रेंड्स, एक एक चैन लेकर। ये देखिए हमने यहाँ पर एक चैन लिया, ये पफ हमने बनाया, फिर एक चैन लेना है हमें, फिर अब अगला घर में हमें बनाना है पफ। इसी तरह हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट करनी है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहें तो ये सिंगल कलर से भी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे दूसरा कलर ऐड करूँगी फ्रेंड्स। ये लास्ट पफ हमने बनाया, फिर हमने यहाँ पर एक चैन लिया है, अब हमें यहाँ पे दूसरा कलर ऐड करना है। हमें धागे को बाहर निकाल लेना है, फिर हमें यहाँ पे गांठ लगा लेनी है फ्रेंड्स। फिर जो हमारा ये लूप है, ग्रीन वाला लूप, फिर हमें यहाँ पे 2 चैन्स बनाने हैं, 1 2 ग्रीन को हमें टाइट कर लेना है फ्रेंड्स। ये हमने यहाँ पे 2 चैन बनाए फ्रेंड्स दूसरी कलर से, फिर हमें इसे टर्न करना है। टर्न करने के बाद जहाँ पे हमने ये 3 चैन्स बनाए हैं, ये देखिए जो पफ के ऊपर हमने बनाया, इसी पफ में हमें फिर डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए फिर हमें 1 चैन लेना है, जिस तरह हमने ये नीचे की लाइन बनाई थी, ये देखिए ये जो हमारा लाइन है, इसी तरह हमें ऊपर भी बनानी है फ्रेंड्स। फिर 1 चैन लिया हमने, फिर जो हमारा दूसरा पफ है, इसके बीच में ये देखिए यहाँ पर हमारा है गैप, यहाँ पर हमें फिर डबल क्रोशिया बनानी है, उसी घर में 2 बार। ये देखिए फिर 1 चैन, फिर ये देखिए जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हमें इसे करना है। दो बार बनानी है, ये देखिए फिर 1 चैन। इसी तरह हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट करनी है। हर पफ के ऊपर हमें ये दो दो डबल क्रोशिया बनानी है, एक एक चैन लेकर फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी कलर की जो हमारी पहली लाइन है, ये कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमें यहाँ पे 3 चैन लेना है, 1 2 3, फिर इसे हम टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद जो जो हमारे डबल क्रोशिया है, एक घर में जो दो दो डबल क्रोशिया है, इसके अंदर हमें पफ बनाना है फ्रेंड्स। 5 टाइम्स लेना है हमें, 1 2 3 4 5, फिर सारे धागे को हमें ले लेना है। ये देखिए फिर 1 चैन बनाना है हमें, उसके बाद फिर अगला जो हमारा है, फिर उसमें हमें बनाना है पफ, 1 2 3 4 5, फिर सारे धागे को हमें एक साथ ले लेना है। क्रोशिया में हमें सिर्फ 2 धागा रखना है, ये देखिए फ्रेंड्स, फिर हमें ये सारे ले लेने हैं, फिर 1 चैन। इसी तरह हमें हर घर में, ये देखिए हर जो दो दो डबल क्रोशिया है, हर में हमें पफ बनाना है। इसी तरह हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट करनी है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरा डिजाइन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में जो हमने पफ बनाया, फिर हमें यहाँ पर 1 चैन लेना है। अब हमें यहाँ पर दूसरा कलर ऐड करना है। हमने यहाँ पर ग्रीन लिया था, तो ग्रीन को हमें लगाना है यहाँ पर। स्काई हमें अब छोड़ना है, अब ग्रीन हमें लगाना है। धागे को हमें कट नहीं करना है फ्रेंड्स, धागे को हमें रखना है
धागा को कट नहीं करना। अब इस काय का जो धागा हमारा है उसे हम टाइट कर लेंगे। फिर हमें यहाँ पे दो चेन ग्रीन का लेना है, ये देखिए। फिर जिस तरह हमने यहाँ पे दो दो डबल कुर्सियाँ बनाया था, हर पफ में हमें बनाना है दो दो डबल कुर्सियाँ दूसरे कलर से। इसी तरह जब हमारा ग्रीन का कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो हमारा दूसरा कलर है उसी तरह हमें यहाँ पे इसे लेना है। धागे को हमें कट नहीं करना है फ्रेंड्स, ये देखिए धागे को हमने कट नहीं किया है। इसी तरह हमने जो स्काई का हमारा लूप था उसी में हमने ग्रीन का लूप लगाया, देखिए। फिर हमारा ग्रीन कलर जब कंप्लीट हो जाएगा फिर हमें स्काई का बनाना है। इसी तरह हमें ये डिजाइन बनानी है फ्रेंड्स। जितना लंबा हमारा टेबल क्लॉथ का लंबाई रहेगा उस लंबाई के हिसाब से हमें इसे लंबा बनाना है। पहले हमें चेन्स बना लेने हैं कि हमारी कितनी है चौड़ाई है फ्रेंड्स, उसमें हमें 20 प्लस करना है चेन में। अगर हमारा 27 आएगा चेन तो उसमें 20 प्लस कर लेना है। हमें 10 के मल्टीपल में हमें ये चेन्स बनानी है फ्रेंड्स, जितनी हमारी चौड़ाई रहेगी। फिर हमें इसे जितना लंबा हमारा टेबल क्लॉथ है, टेबल जो हमारा है उसे उतना लंबा हमें इसे बनाना है। लंबा बनाने के बाद हमें 10 डिजाइन एक्स्ट्रा बनाना है फ्रेंड्स, क्योंकि टेबल जो हमारा रहेगा उसके साइड साइड हमें दो दो इंच डाउन रखना है। हमारा जो टेबल क्लॉथ बनेगा दो दो इंच हमें डाउन रखना है। तो हमारा जितना लंबा टेबल है उतना लंबा हमें ये टेबल क्लॉथ बना लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद अब हमें इसमें झालर लगाना है फ्रेंड्स। जब हमारा टेबल क्लॉथ कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स तब तो हमें इसमें फाइनल टच देना है, झालर लगाना है हमें इसमें। ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड, ये देखिए। ये बहुत ही सिंपल है बनाना, इसे आप आसान से बना सकते हैं आसानी से, ये देखिए। अब हमें इसमें झालर लगाना है फ्रेंड्स। तो जो हमारा डिजाइन यहाँ पे जितना लंबा हमें बनाना है उतना लंबा हमें बना लेना है। उसके बाद फिर जो ये हमारा कॉर्नर है, ये देखिए कॉर्नर, हमें यहाँ पे 10 से 15 चैंस बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हमने 15 चैंस बना लिया फ्रेंड्स। फिर जो हमारा एक डिजाइन है, ये दूसरा डिजाइन, दूसरे डिजाइन में हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेना है, ये देखिए। हर दूसरे डिजाइन में फिर हमें यहाँ पे 10 से 15 चेन बनाना है। फिर हर दूसरे डिजाइन में, ये हमारा पहला डिजाइन, फिर दूसरा डिजाइन हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेना है। फिर हमें 10 से 15 चेन बनाना है। दूसरे डिजाइन में हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेना है। जब हमारा कॉर्नर आएगा फ्रेंड्स तो कॉर्नर में हमें एकदम जो हमारा लास्ट है, ये देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट का हमारा रहेगा चेन, यहाँ पे हमें जॉइंट करना है। हर कॉर्नर में हमें जॉइंट करना है 10 से 15 चेन लेकर। फिर जो हमारा कॉर्नर है ये देखिए, यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। फिर जो हमारे नीचे का जो पोर्शन है, यहाँ पर हमें 1 2 3 4, जो हमारा पांचवा पफ है यहाँ पर हमें इसे जॉइंट करना है। 1 2 3, ये देखिए 1 2 3 4, पांचवें पफ में हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया। फिर हमें 10 से 15 लेना है। फिर जो हमारा पांचवा पफ है वहाँ पर हमें ज्वाइंट करना है। इसी तरह हमें ये कॉर्नर तक हमें बनाना है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कॉर्नर पर हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया है। अगर आप सिंगल कलर से बनाएंगे फ्रेंड्स तो हमें जो लरियाँ बनानी है चेन की सिंगल कलर से बनानी है। अगर हम डबल कलर से हमें बनाना है डबल कलर से, तो एक लरियाँ हमारी इस कलर से जाएगी पहली कलर से, और दूसरी जो लरियाँ हमारी जाएगी फ्रेंड्स वो दूसरे कलर से जाएगी। यहाँ पर हमने ज्वाइंट कर लिया है। फिर हमें यहाँ 10 से 15 चेन बना के इसी तरह हमें पूरे पूरा हमें चेन की पहली लरियाँ हमें बना लेनी है फ्रेंड्स।
फिर जो हमारा ये चौथा कॉर्नर होगा फ्रेंड्स, ये देखिए, फिर हमें यहाँ पे पांच पफ पे चैन को जॉइंट करना है। ये देखिए, 1 2 3 4 पांचवे पे हमें स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है चैन को। ये देखिए चैन की लड़ियाँ को इस तरह हमें एक ऊपर वाले पोर्शन में और नीचे वाले पोर्शन में हमें पांच पांच पफ पे से जॉइंट करना है। फिर जो हमारा ये लास्ट कॉर्नर है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 10 चैन बनाया है और क्रोशिया में धागे को हमने 4 टाइम लपेटा है। 1 2 3 4 5 पांच टाइम हमने धागे को लपेटा। फिर जो हमारे ये कॉर्नर है, यहाँ पे हमें एक एक करके निकालना है धागे को। देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 16 चेन्स हो गया फ्रेंड्स। फिर हमें यहाँ पे 10 से 15 चेन बनाने हैं। हम यहाँ पे दूसरा कलर से बनाना है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा जो दूसरा कलर है वहाँ पे ये हमें ऐड करना है। यहाँ पे धागे को हमें कट कर लेना है। एक चेन हमने बनाया, पहले धागे को हमने यहाँ पे कट कर लिया फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पे दूसरा धागा लगाना है, जो हम दो कलर से इस डिजाइन को हमें जो बनाना है। फिर हमें यहाँ पे 10 से 15 चेन लेना है। चौदह 15, फिर अगली चैन में हमें स्लिप स्टिच से बीचों बीच हमें इसे ज्वाइन कर लेना है। ये हमारी दूसरी लड़ियाँ जा रही हैं। इसी तरह हमें 3 से 4 लड़ियाँ बनानी हैं, एक पहली कलर से, फिर दूसरी कलर से, फिर पहली कलर से, फिर दूसरी कलर से। इस तरह हमें 4 लड़ियाँ बनानी है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमें चैन की लड़ियाँ बनानी है 4 टाइम। उसके बाद फिर हमारा जो पाँचवा चैन जाएगा फ्रेंड्स, पांचवी जो हमारी चैन्स जाएंगी वहाँ पे हमें धागे को वहाँ पे हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद फिर हमें कोई सा भी कॉर्नर लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर हमें 1 2 3 4 5 चैन हमने लिया फ्रेंड्स। 5 चैन लेके फिर उसी चैन में हमें स्लिप स्टिच किया। ये देखिए, इस तरह हमें 3 टाइम करना है। 1 1 2 3 4 5 चैन बनाया, फिर स्लिप स्टिच, फिर 5 चैन, 1 2 3 4 5। ये हमने यहाँ पे 3 टाइम बनाया फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह, ये हमने 5 5 चैन लेके 3 टाइम बनाया। फिर अब हमें यहाँ पे 10 से 12 चैन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर हमें अब अगली चैन में आनी है फ्रेंड्स। फिर उसी तरह हमें ये बनानी है 3 टाइम, 5 5 चैन लेके हमें बनानी है। आप चाहे फ्रेंड्स तो झालर भी लगा सकते हैं, या तो आप इस तरह के फ्लावर भी बना सकते हैं, ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। 2 3 4 5 स्लिप स्टिच, फिर 5 चैन, 3 4 5 स्लिप स्टिच, 5 चैन, फिर स्लिप स्टिच। सारे हमें एक साथ इस तरह साथ में कर लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर हमें 10 से 12 चैन लेने हैं।
चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। फिर अगली चेन में हमें स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हमें हर चेन में इसी तरह हमें बनाना है। पांच पांच चेन लेकर स्लिप स्टिच करना है और 3 टाइम हमें बनाना है। इस तरह फ्लावर हमने बनाया, फिर 10 से 12 चेन लिया। इसी तरह हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट करनी है फ्रेंड्स। ये हमारा टेबल क्लॉथ का डिजाइन है। आप इसे स्क्वायर भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह नए नए डिजाइने बनाने के लिए सीखे। और घंटा घड़ी पर क्लिक जरूर करें फ्रेंड्स कि हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिससे आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।